अंडर 25,000 आपको एक बेस्ट गेमिंग फोन बाय करना है, बिल्कुल आप लोग सही वीडियो पे आए हो। और ये वीडियो आप लोगों को टॉप 5 बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 25,000 बताने वाला हूं। इसमें से आप लोग कोई भी फोन को बाय कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ फोन में आप लोगों को 90 fps का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और गाइस गेमिंग के लिए अच्छा खासा लिक्विड कूलिंग सिस्टम और वेपर चेंबर भी देखने को मिलेगा। और गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होता है प्रोसेसर, ये सब फोन में आप लोगों को पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा। सो गाइस, और ये 5 फोन्स के अंदर अगर कोई भी फोन को आप लोग बाय कर ले तो आपको 4-5 साल तक कोई भी टेंशन नहीं होगा, आपको और कोई फोन के ऊपर इन्वेस्ट करना नहीं होगा। कोई भी हाई एंड गेम या फिर कोई भी हेवी टास्क अगर आप लोग अपना फोन में करते हो तो गाइस आप लोगों के लिए ये फोन 4 से लेकर 5 साल तक काफी अच्छा परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस आप लोगों को स्मूथली निकाल के दे देगा। एक और बात भाई आप लोग ध्यान से सुनना, कि यहाँ पर मैंने यूट्यूब पर देखा है गाइस बहुत सारे बंदे बस फोन के स्पेसिफिकेशन देख के उसका गेमिंग रिव्यू वगैरह दे देता है, लेकिन जो सब फोन को मैंने इंक्लूड किया इस वीडियो में, पूरा हर एक फोन के ऊपर मैंने रिसर्च किया उसके बाद ही वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। सो यहाँ पर कोई भी फोन को बाय कर दो आपको पछताना नहीं होगा, इसका 100% गारंटी मैं लेता हूँ। तो हम लोग ना टॉप 5 से लेकर 1 तक जाएंगे और 1 नंबर जो फोन होगा सबसे ज्यादा बेस्ट होगा गेमिंग के लिए। लेकिन बहुत सारे बंदे को कैमरा के लिए और गेमिंग के लिए दोनों के लिए फोन चाहिए, उन लोगों के लिए तो 3 नंबर फोन बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। और नंबर 5 पे जो फोन है गाइस IQ Z6 Pro, और इसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा या फिर जानते होंगे, या नहीं जानते होंगे तो बताता हूँ गाइस। ये फोन में आप लोगों को देखने को मिलता है 778G का प्रोसेसर, और अगर बात करें इस फोन का एंटू स्कोर का 5.5 लाख आप लोगों को 5,50,000 एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाता है। और गाइस कोई भी फोन का अगर एंटूटू स्कोर 5 लाख से ऊपर होगा उस फोन में आप लोगों को परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिलता है। और गाइस अगर बात करें BGMI का तो यहाँ पर स्मूथ और एक्सट्रीम पर चला देगा, HDR और अल्ट्रा तक ये फोन सपोर्ट कर लेता है। तो यहाँ पर BGMI भी आप लोग स्मूथ एक्सट्रीम पर खेल सकते हो। और ये फोन आता है AMOLED डिस्प्ले के साथ, तो ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा नहीं होगा, आप लोग बताएं AMOLED डिस्प्ले क्या होता है। सो गाइस यहाँ पर आप लोग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, AMOLED डिस्प्ले इसके लिए थोड़ा सा प्रीमियम लगता है। तो इसके बारे में तो बात कर दिया, भी बात करते हैं और एक्स्ट्रा क्या फीचर्स देखने को मिलता है जो गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फोन में आप लोग को लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, और ये कूलिंग सिस्टम ऐसे काम करते हैं कि 12 डिग्री जब भी आपका CPU गर्म हो जाएगा 12 डिग्री के ऊपर, तब से लिक्विड कूलिंग सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देगा। और जब भी आप गेम खेलने के टाइम पे, फिर गेम खेलने के बाद आप लोग फोन को रखोगे, और रखने के तुरंत बाद मतलब 5 मिनट के अंदर आपका फोन फिर से कूल डाउन हो जाएगा। सो अगर सामने गर्मी आ रहा है, गर्मी का मौसम, तो अभी के टाइम पे लिक्विड कूलिंग बहुत काम में आएगा, तो आप लोग ये फोन को बाय कर सकते हो। और गाइस रुको, और भी कुछ स्पेशल फीचर्स देखने को मिलता है जो गेमिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 180 Hz का यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है, ये अगर 240 Hz का देता तो और भी अच्छा होता। फिर भी गाइस आप लोग अगर 4 फिंगर 6 फिंगर खेल दो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, यहाँ पर टच रिस्पॉन्स आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा। और इसी प्राइस के अंदर भाई हम लोग और भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर, लेकिन इसके बाद में और जो फोन्स के बारे में बताऊंगा तो गाइस उस फोन के अंदर आप लोगों को 360 Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिलेगा। और गाइस ये फोन आता है गाइस 4700mAh बैटरी के साथ 66W का सुपर फास्ट चार्जर, इसके पर आपका फोन को 30 मिनट के अंदर फुल चार्ज करा देगा, तो चार्जिंग में और बैटरी में कोई भी कंप्रोमाइज आपको करना नहीं होगा। ओवरऑल अगर बात करें गाइस ये फोन काफी अच्छा आप लोगों को परफॉर्मेंस निकाल देगा गेमिंग में। और अगर गेमिंग के लिए आप लोग एक फोन को बाय करना चाहते हो, आपका बजट अगर है 24,000 तो ये फोन को आप लोग बाय कर सकते हो। गेमिंग के लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों को 24,000 के अंदर 8GB रैम वाला वेरिएंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जाके भाई कर सकते हो। और फोर्थ नंबर का फोन गेमिंग के लिए तो सही होने ही वाला, उसके साथ गाइस जो लोग लुकिंग के लिए फोन को बाय करना चाहते हो गाइस उन लोगों के लिए फोन काफी ज्यादा औसम होने वाला है। सो यहां पे आते हैं गाइस Realme 10 Pro Plus, और ये फोन हमने क्यों रखा है गाइस बता दूं ना, ये फोन गाइस सबसे स्पेशल फीचर जो है फोन का गाइस ये फोन में आप लोगों को देखने को मिल जाता है गाइस एक कर्व डिस्प्ले, और डिस्प्ले भी AMOLED डिस्प्ले। उसके साथ गाइस ये फोन में आप लोगों को देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 1080 का प्रोसेसर 1080 का। और अगर बात करें ये फोन का एंटूटू स्कोर का गाइस, ये फोन में आप लोगों को 530,000 एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाता है। अगर आप लोगों को 25,000 के अंदर ऐसा एक फोन चाहिए जिसके अंदर आप लोगों को कैमरा के साथ साथ लुकिंग और गेमिंग भी काफी अच्छा देखने को मिले, तो गाइस आप लोग Realme 10 Pro Plus के साथ गेमिंग के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स हम लोग इस फोन में देखने को मिल जाता है गाइस। 360 Hz का हम लोगों को टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है। 4 फिंगर खेलो, 5 फिंगर खेलो, 21 फिंगर खेलो, 50 फिंगर खेलो, 50 फिंगर कोई खेलता है नहीं, लेकिन गाइस ये फोन में आप लोग जितना भी फिंगर खेलोगे टच सैंपलिंग रेट में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और 360 Hz टच सैंपलिंग रेट गाइस यहाँ पर 30,000 के कुछ फोन में भी देखने को नहीं मिलता। IQ9AC गेमिंग के लिए इतना ज्यादा फेमस है, फिर भी गाइस इस फोन में हम लोगों को 300 Hz का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिला है। सोच सकते हो गाइस गेमिंग एक्सपीरियंस आपका क्लोज रेंज फाइट कितना ज्यादा बेटर हो सकता है ये फोन से आप लोग BGMI या फिर और भी कोई
शूटिंग गेम या फिर और भी कोई गेम को खेलोगे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आप लोगों को निकाल के दे देगा। और ये फोन आता है गाइस 5000 mAh के बैटरी के साथ, 67 वाट का फास्ट चार्जिंग के साथ, और गाइस ये फोन भी 30 मिनट के अंदर फुल चार्ज करा देगा। और इसके AMOLED डिस्प्ले के साथ गाइस 5000 mAh का बैटरी, गाइस बहुत अच्छा बैटरी बैकअप भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। पहले बताया ओवरऑल 25000 के अंदर अगर ये फोन को आप लोग बाय कर तो आप लोगों को कोई भी चीज के बारे में बाद में सोचना नहीं पड़ेगा। तीन नंबर पे जो फोन हमारा होने वाला है ये काफी ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा फेमस फोन भी है, मतलब था अभी भी है। सो गाइस ये फोन होने वाला है गाइस IQ Z5। और अब आप लोग सोच सकते हो कि एलेक्स तूने IQ Z5 को रखा है, IQ Z6 Pro इसका लेटेस्ट वर्जन है, उसको छोड़कर IQ Z5 को तीन नंबर पर रखा है। हाँ भाई बता दो ना क्यों रखा हो। सो गाइस यहाँ पर IQ Z5 गाइस काफी अच्छा गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस तो पहले से ही था। ये फोन में आप लोग को देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर, तो ये तो IQ Z6 Pro में भी देखने को मिलता था। ये फोन में पर क्या है गाइस, ये फोन में आप लोगों को देखने को मिलता है गाइस LPDDR5 का रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज, जो कि पिछले दोनों फोन में आप लोगों को मिसिंग था। सो ये फोन को अगर आप लोग गेमिंग के लिए बाय करते हो गाइस, यहाँ पर आप लोग सोच नहीं सकते ये रैम टाइप और स्टोरेज टाइप कितना ज्यादा फास्ट है और गेमिंग में कितना अच्छा एक्सपीरियंस आप लोग को स्मूथनेस वगैरह निकाल के दे देगा। और पर लैग वगैरह भी आप लोग को बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ये फोन को आप लोग अगर गेमिंग के लिए यूज कर दो तो गाइस गेमिंग में आप लोग को एकदम ऑसम धासु परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है ये फोन। 5.5 लाख का एंटीट्यू स्कोर ये फोन में भी देखने को मिलता है। और अगर बात करें टच सैंपलिंग रेट का, 240Hz का टच सैंपलिंग रेट आप लोग को देखने को मिल जाता है। पिछले वाला रियलमी के फोन से थोड़ा सा कम है, फिर भी गाइस यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट में आप लोग कॉम्प्रोमाइज करना नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते होंगे IQ गेमिंग के ऊपर फोकस करके अपना फोन को बनाता है। और गाइस यहाँ पर IQ का फोन गेमिंग के लिए काफी ज्यादा ऑसम होता है, लेकिन ये फोन में आप लोग को एक कॉम्प्रोमाइज करना होगा डिस्प्ले में। ये फोन में आप लोग को एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो जो लोग यार AMOLED चलाते हैं वो लोग अगर IPS के ऊपर शिफ्ट करोगे तो गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन गेमिंग के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गाइस। IPS डिस्प्ले POCO X3 Pro हमने यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस निकाल के दे देता है। और मेरे को लगता है गाइस टच के हिसाब से गाइस IPS डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। AMOLED में गाइस थोड़ा सा टच इशू आता है, थोड़ा सा टच प्रॉब्लम आता है। मुझे पता है गाइस ये बात पे आप लोग मेरे साथ सहमत ना भी हो सकते हो, फिर भी यार मैं बताऊंगा IPS डिस्प्ले टच के मामले में काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अगर बात करें गेमिंग के हिसाब से IPS डिस्प्ले मेरे के लिए अच्छा, लेकिन बैटरी देखने को मिलता है उसके साथ गाइस आप लोगों को ये फोन में देखने को मिलता है 44W का फास्ट चार्जिंग। ये फोन भी गाइस यहां पर 40 मिनट के अंदर या फिर 45 मिनट के अंदर फुल चार्ज करा देगा, लेकिन यहां पर दोनों फोन में से थोड़ा सा कम चार्जिंग देखने को मिलता है। लेकिन गेमिंग के हिसाब से अगर आप लोग फोन को बाय करना चाहते हो तो ये फोन गेमिंग के मामले में बस गेमर के लिए काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप लोग बोलो ये तीनों फोन में से मेरे को कौन सा फोन सबसे ज्यादा बेस्ट लगा है गेमिंग के लिए फिर लगता है, तो मैंने यूज किया है यहां पर IQ Z5 को, Z6 Pro को और Realme 10 Pro Plus को। तो मेरे को गेम खेलने के टाइम पे गाइस यहाँ पर IQ Z5 में सबसे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और कैमरा भी गाइस कहीं ना कहीं यहाँ पर IQ का फोन का ज्यादा बेटर है Realme के फोन से, क्योंकि Realme का फोन आप लोग जानते होंगे यहाँ पर कार्टूनिज वगैरह बना देता है, जो कि गाइस यार कैमरा में उतना बेटर नहीं लगता। और वीवो या फिर IQ का फोन वीवो का ब्रांड का ही हो, सो सब ब्रांड है वीवो का, तो पर IQ का फोन में आप लोगों को कैमरा थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा। जैसे कि वीवो कैमरा के लिए बहुत ज्यादा फेमस था पहले से ही, और यहाँ पर कैमरा सच में काफी ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। और अगर बात करें लिक्विड कूलिंग का, हाँ ये फोन में आप लोगों को लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि यार सेम ही आप लोगों को पिछले दोनों फोन जैसा, जैसे कि फोन को आप लोग गेम खेलते हो थोड़ा सा CPU टेम्परेचर हाई हो जाता है तो थोड़ा सा लिक्विड कूलिंग यहाँ पर चालू हो जाता है, लेकिन उतना ज्यादा भी अच्छा नहीं है तीनों फोन का लिक्विड कूलिंग सिस्टम में। लेकिन गाइज मैं जो आगे वाला दो फोन के बारे में बात करने वाला हूँ, गाइज दोनों ही फोन में आप लोगों को टॉप नॉच लेवल का लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो गाइज चलो यार चलते दो नंबर फोन की तरफ। तो गाइज दो नंबर पर रखा है गाइज Redmi K50 Ico। सो ये फोन को मैंने क्यों रखा है दो नंबर पे, इससे अच्छा कौन सा फोन हो सकता है। हाँ होगा ना, इसके लिए आप लोगों को लास्ट फोन भी देखना होगा। तो बात कर रहे हैं Redmi K50 Ico के बारे में, तो इसको कमजोर मत समझना, ये फोन भी काफी ज्यादा अच्छा है। ये फोन में आप लोगों को 23,000 के अंदर देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 8100 का पावरफुल चिपसेट। सोच सकते हो कि इसका एंटीट्यू स्कोर है 8,10,000, पिछले फोन में 5.5 लाख का एंटीट्यू स्कोर देखने को मिलता था, लेकिन ये फोन में आप लोगों को 8,10,000 का एंटीट्यू स्कोर देखने को मिलता है, कितना ज्यादा डिफरेंस है गाइस। और गाइस ये फोन में आप लोगों को 270Hz का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है। सो गाइस पर टच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन पिछले वाला IQ Z5 में हम लोगों को
यहाँ पर Realme 10 Pro Plus में हम लोग को थोड़ा सा बेटर हम लोग को समथिंग रेट देखने को मिलता है, उसके हिसाब से थोड़ा फीका पड़ता है, लेकिन फिर भी गाइज ये प्राइस के अंदर टसम्बलिंग रेट में आप लोग को कम्प्रोमाइज़ करना नहीं होगा। 4 फिंगर 5 फिंगर तक आप लोग खेलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोज रेंज फाइट आपका काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाला है। तो यहाँ पर जो भी टसम्बलिंग रेट में आप लोग को बताता हूँ 240Hz के ऊपर जो भी टसम्बलिंग रेट है उसमें कैसे आप लोग को कोई भी कम्प्रोमाइज़ करना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर Z6 Pro में हम लोग को थोड़ा सा टसम्बलिंग रेट में कमी देखने को मिलता है, वो पहले वाला फोन, इसलिए मैंने उस फोन को 5 नंबर पे रखा था। तो अगर वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है गाइस, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आप लोग ये वीडियो को अगर एंड तक पूरा देख दो, आप लोग यहाँ पर एक ना एक फोन को अगर बाय कर दो, आप लोग को कभी भी जिंदगी में कभी भी आप लोग रिग्रेट नहीं करोगे। 80 साल बाद भी जिंदा रहोगे फिर पता नहीं, लेकिन रिग्रेट नहीं करोगे कि एलेक्स भाई का चैनल देखकर मैंने जो फोन को बाय किया उसको लेकर मैंने कभी भी रिग्रेट करता। ये फोन से भी बेटर फोन मेरे को कभी भी देखने को मिलता इसी टाइम में। सो गाइस यहाँ पर कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। सो गाइस चलिए यार थोड़ा सा टॉपिक से बाहर चले गए थे, तो बात करते हैं ये फोन के बारे में, Redmi K50i के बारे में। ये फोन में हम लोग को 5080mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, 67W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। सो गाइस यहाँ पर आप लोग को चार्जिंग में भी कोई कंप्रोमाइज करना नहीं होगा और यहाँ पर बैटरी में भी कोई कंप्रोमाइज करना नहीं होगा। लेकिन गाइस ये फोन में कंप्रोमाइज है IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। अभी कुछ लोग बोलोगे LCD या फिर APS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, IPS नहीं, दोनों एक फर्क कोई नहीं है, थोड़ा सा फर्क है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम ही डिस्प्ले आपको देखने को मिला IPS और APS के अंदर उतना फर्क नहीं है, एमोलेड देखने को नहीं मिल रहा है। तो कैसे यहाँ पर आप लोगों को इसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना, तो लेकिन इसको छोड़कर ओवरऑल अगर बात करें कैमरे के हिसाब से, लुकिंग वाइज यहाँ पर पावरफुल प्रोसेसर लगा है फोन में, ओवरऑल कोई भी कंप्रोमाइज आपको करना नहीं होगा। कैमरे में आप लोगों को काफी अच्छा डिसेंट कैमरा, डिसेंट से थोड़ा सा ऊपर ही देखने को मिल रहा है, ओवरऑल गेमिंग के लिए काफी अच्छा है। लेकिन फिर भी यार ये फोन में आप लोगों को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना होगा और एक चीज में, साला कंप्रोमाइज ही कंप्रोमाइज। तो ये फोन में आप लोगों को थोड़ा सा मैंने टेस्ट करके देखा है गाइज, आप लोग अगर बहुत ज़्यादा हेवी गेमिंग कर दो, आप लोग अगर 4-5 का KD मेंटेन कर दो, तो फिर बहुत सारा अच्छा फोन में जायरोस्कोप वगैरह से प्रैक्टिस वगैरह किया हो, मैंने बहुत सारा फोन यूज़ किया है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का, तो ये फोन में जैसे कि डायमेंसिटी का प्रोसेसर लगा है, तो ये फोन में इसके वजह से यहाँ पर नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी ये फोन में आप लोग को थोड़ा सा जायरोस्कोप डीले का प्रॉब्लम, थोड़ा सा डीले देखने को मिलता है, उतना ज़्यादा नहीं, फिर भी अगर आप लोग जायरोस्कोप खेल दो प्रॉब्लम तो आएगा ही। मैं तो बोलूँगा मैं हेवी गेमर हूँ, मैं एक हार्ड गेमर हूँ, KD वगैरह धोखा है, फिर भी यार बहुत ज़्यादा हार्ड गेमिंग कर दो, और मैं भी गाइज एक फुल जायरो प्लेयर हूँ, और गाइज यहाँ पर जायरो प्लेयर जो होते हैं उनका भाई दुख मैं समझ सकते हो। तो ये फोन को अगर बाय कर दो थोड़ा सा जायरो में कंप्रोमाइज करना होगा, लेकिन यहाँ पर जायरो नहीं खेलते हो तो गाइज यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और MediaTek का प्रोसेसर हर टाइम पर यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत दे देता है, जो कि एम कनेक्टिंग में, तो एम आपका उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं होगा जितना कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यहाँ पर कनेक्ट होता है। सॉरी गाइज यहाँ पर वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो अभी ब्लॉग कहाँ से आ गया भाई, ब्लॉग बनाते बनाते भाई दिमाग में वही चल रहा है। तो क्या चलो ये बात करते हैं नंबर 1 फोन का, और ये फोन में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा गाइस, 2 ईयर का वारंटी देखने को मिलेगा इस फोन में। हाँ, गेस करो कौन सा फोन, हाँ पोको F4 गाइस। ये फोन में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी कुछ नहीं, इसीलिए इस फोन को मैंने 1 नंबर पर रखा है, लेकिन आप लोग ट्रस्ट नहीं है, हाँ मुझे बताएं, मैं समझ सकता हूँ। पहले आप लोग ये बोलोगे पोको X3 प्रो डेट हो गया था, मेरा 2 बार डेट हुआ मेरा, फिर भी मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, क्यों पता है, ये फोन में आप लोग को 2 साल का वारंटी देखने को मिल रहा है, 2 साल का, 2 साल फोन की यूज़ कर उसके बाद बेच दो जाके, क्या टेंशन भाई, टेंशन का कोई बात नहीं, 2 साल तक यूज़ कर सकते हो, 1.5 साल बाद बेचोगे दूसरे फोन में, 1 साल बाद वारंटी खत्म हो जाता है, 1.5 साल बाद बेचोगे आप लोग को वैल्यू इतना ज़्यादा देखने को मिलेगा भाई, 25,000 में फोन को बाय कर दो, उसके बाद आप लोग को देखने को मिलेगा फोन का प्राइस, जब आप लोग बेचने जाओगे 18,000-70,000 देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा आप लोग को सेलिंग वैल्यू देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए इस फोन को मैंने 1 नंबर रखा है, हाँ इसके लिए क्या नहीं, इसमें और भी फीचर जो ये चारों फोन से काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। अबे क्या खास देखने को मिलती है फोन में भी होगा कुछ, अरे हाँ बताता हूँ ना रुको, ये फोन में आप लोग को देखने को मिलता है, ये चारों पिछले वाला फोन में आप लोगों को 80 से लेकर बास ऑन मार रहे बाहर साला, छोड़ो भाई उसको साइड में रखो, कंप्रोमाइज़ करो, फोन में भी करो, मेरे वीडियो में भी थोड़ा करो, इसको मैंने कट नहीं सकता क्योंकि बहुत मेहनत से भाई बार बार ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2-3 बार हो गया फिर भी हॉर्न मार रहा है साला, दिमाग खराब हो रहा है, फिर भी भाई चलो भी बात कर रहे टॉपिक पे आते, ज़्यादा बकवास नहीं। तो गाइस यहाँ पर ये चारों फोन के बारे में, पहले जो मैंने बात किया चारों फोन में हम लोगों को पीक ब्राइटनेस देख रहे हो कितना मिला था, 80 nits का, 700 nits का, 800 nits का, इतना ही, सॉरी 800 और 700 इसके बीच में। लेकिन गाइज ये फोन में हम लोग को 1300 nits का, 1300 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, और वो भी यार AMOLED डिस्प्ले के साथ,
25,000 के अंदर। और गाइस ये फोन में आप लोगों को 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल रहा है, तो एक नंबर पे क्यों ना रखूं। अरे रुको, तो अभी तो कुछ नहीं बोला गाइस, स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर 25,000 के अंदर कौन देगा भाई, मेरे को लाके दो, दूसरा कोई कंपनी का फोन मैं ले लूंगा। इसी प्राइस के अंदर कोई भी आप लोगों को स्नैपड्रैगन 870 प्रोवाइड नहीं कर रहा। स्नैपड्रैगन का 8 सीरीज का सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोसेसर जो कि IQ Neo 6 में भी लगा है, जो हीटिंग के मामले में बोलो भाई कोई भी थ्रॉटलिंग वगैरह देखने को नहीं मिलती इस प्रोसेसर में, बहुत कम है, और गाइस हीटिंग भी नहीं होता, सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोसेसर है। अभी भी मैंने क्रिपलेट को बेचकर IQ 9SE को बेचकर मैंने ये स्नैपड्रैगन 870 वाला फोन यूज कर रहा हूँ IQ Neo 6 को। तो आप लोग सोच सकते हो कितना ज्यादा औसम फोन है, कितना औसम प्रोसेसर है। तो गाइस अगर आप लोग गेमिंग के लिए आप लोग चाहते हो अपना फोन हीट ना हो तो गाइस ये फोन को आप लोग बाय कर सकते। अगर गाइस आप लोग बात करें एंटीटू स्कोर का, ये फोन में आप लोगों को एंटीटू वर्जन 9 के हिसाब से 7 लाख के करीब एंटीटू स्कोर देखने को मिलता है। और जो लोग सोचो फोन डेड हो जाएगी फिर, नहीं तो गाइस अभी भी कुछ ऐसा न्यूज निकल के नहीं, अगर होगा तो सर्विस सेंटर में लेके जाना, 2 साल का वारंटी, क्या प्रॉब्लम है। और इस फोन में आप लोगों को 4500 mAh का बैटरी भी देखने को मिल जाता है, 67W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है, आधा घंटे के अंदर फोन फुल चार्ज करा देगा, अगर आधा घंटे में ना हो 35 मिनट के अंदर फोन फुल चार्ज करा देगा तो पर कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, आप लोग गेमिंग के लिए फोन को बाय कर सकते हो। और सोच सकते हो कि स्नैपड्रैगन 870 और पोको के फोन में आप लोगों को ओवरऑल गेमिंग का और भी फीचर्स वगैरह देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अपना गेमिंग एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा, आपका क्लोज रेंज फाइट काफ़ी ज़्यादा औसम हो जाएगा। ये फोन्स में आप लोगों को गेमिंग स्पेस वगैरह देखने को मिलता है, गेम स्पेस 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है 5.2 का, जिसके अंदर आप लोगों को टच सेंसिटिविटी और गाइस और भी कुछ आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये फोन को आप लोग गेमिंग के लिए बाय कर सकते हो गाइस, ओवरऑल एक गेमिंग पैकेज आप लोगों को देखने को मिलता है इसी प्राइस के अंदर। 360 हर्ट्ज़ का आप लोगों को टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है गाइस, कैमरा भी गाइस काफी अच्छा आप लोगों को परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा, और ओवरऑल मेरे एक दोस्त के पास ये फोन काफी अच्छा परफॉर्मेंस उसको कैमरा फिर बोलो बैटरी लाइफ फिर बोलो गेमिंग में उसको निकल के दे रहा है। सो गाइस यहां पर आप लोग ये फोन को बाय कर सकते हो, लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी और स्नैपड्रैगन 870 के जैसे पावरफुल प्रोसेसर उसके साथ गाइस यहां पर लिक्विड कूलिंग सिस्टम और यहां पर स्नैपड्रैगन 870 कितना ज्यादा स्टेबल है आप लोग जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो गाइस मेरे चैनल का आप लोग ओवरऑल फोन को फोन का रिव्यू वगैरह देखते हो, जो भी स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर है उस फोन को मैं इंक्लूड करता हूं। और गाइस आप लोग जानते हो ये फिर पता नहीं जानते हो पर जानते हो, लेकिन गाइस यहां पर स्नैपड्रैगन 870 का आपको कोई भी फोन देखने को मिलता है उस फोन को आप लोग आग बंद करके बाय कर सकते हो, काफी ज्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस और गाइस काफी ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस आप लोगों को निकल के दे देगा। ये बात अगर आप लोग नहीं जानते थे पहले आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, और गाइस अगर जानते हो तो गाइस वो भी आप लोग कमेंट करना, क्योंकि गाइस यहां पर ऑडियंस को थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। सो गाइस आप लोगों को कौन सा फोन बेटर लगा, कौन सा फोन आप लोग बाय करना चाहोगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और कोई क्वेश्चन आपका अगर है मन पे हो भी सकता है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, पर इंस्टाग्राम आईडी मैंने स्क्रीन पर दे दिया, जाकर आप लोग मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक देख रहे हो मिलेगा, उधर से जाके भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, और हो सके तो फॉलो भी कर देना। और आपके पास अगर कोई टॉपिक है कि इस टॉपिक ऊपर मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो मैंने पहले ही बताया इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ऊपर जाके आप लोग मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो, नहीं तो कहते आप लोग कमेंट भी कर सकते हो इस टॉपिक ऊपर, एलेक्स भाई तो वीडियो बना देता, तो अगर कंटेंट उतना ज़्यादा सही है तो मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग अगर न्यू हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मन चाहे तो, और गाइस यार आप लोग अगर 15,000 के अंदर बेस्ट फोन बाय कर रहे हैं लेफ्ट वाला वीडियो को क्लिक करो, और अगर 10,000 के अंदर बेस्ट गेमिंग फोन बाय कर रहे हैं तो गाइस राइट वाला वीडियो को क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।